नमस्कार, मैं रोहित, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। पाकिस्तान की बौखलाहट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दुनिया भर में अकेला हो चुका पाकिस्तान एक पर एक नए तरह के बयान दे रहा है। कभी परमाणु हमले की बात तो कभी कुछ और। पाकिस्तान ही की मानता नहीं है। और अभी अभी पाकिस्तान के मंत्री ने एक नया बयान दिया है अपने ऑफिशियल पेज से, और ये जनाब हैं चौधरी फवाद हुसैन जी। आप जो हैं ये फेडरल मिनिस्टर हैं साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। ये इनका ऑफिशियल पेज है और ये साहब हैं ऊपर, ये हैं फवाद हुसैन जी। और देखिए कि ये इन्होंने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट ये है कि देखिए, अमेरिका से ने जिस तरीके से भारत प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, जो बातचीत हुई और जो मैसेज दुनिया भर में गया, उसके बाद पाकिस्तानियों की बौखलाहट और बढ़ गई है। देखिए, उन्होंने अपने पेज पे लिखा है कि पीएम इज कंसिडरिंग ए कंप्लीट क्लोजर ऑफ एयर स्पेस टू इंडिया, ए कंप्लीट बैन ऑन यूज ऑफ पाकिस्तान लैंड रूट्स फॉर इंडिया ट्रेड टू अफगानिस्तान वाज आल्सो सजेस्टेड इन कैबिनेट मीटिंग। लीगल फॉर्मेलिटीज फॉर दिस डिसीजन आर अंडर कंसिडरेशन, मोदी हैज स्टार्टेड, वी विल फिनिश। और देखिए, इसका मतलब समझिए कि ये जो ट्वीट है उसमें लिखने की कोशिश कर रहे हैं फवाद जी कि जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उन्होंने पूरी तरीके से जो एयर स्पेस है भारत जो साझा करता है, क्योंकि देखिए अगर दुबई जाना हो, आपको मिडिल ईस्ट में जाना हो, तो अमूमन पाकिस्तान के ऊपर से जो है वो एयर स्पेस इस्तेमाल होता है। और देखिए, ये जो है एयर स्पेस को बंद करने की बात कह रहे हैं, साथ ही वो कह रहे हैं कि जो अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो सड़क के रास्ते जो कारोबार होता है उसको भी बैन करने को लेकर के कैबिनेट में बैठक हुई है। भारत ने शुरू किया है, वो खत्म करेंगे, लेकिन भूल गए हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी और पूरी सरकार दुनिया भर के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर इस बात को कह रही है, और पूरी दुनिया भी इस बात को मान रही है कि ये भारत का अंदरूनी मामला है। बावजूद इसके पाकिस्तान की जो बेचैनी वो नजर आ रही है। अब उसके मंत्री ने यहाँ तक जो गिदर भपकी है वो दी है, कहा है कि भारत ने शुरू किया है, खत्म पाकिस्तान ही करेगा, लेकिन वो भूल गया है कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से पाकिस्तान इस मुद्दे पर खास करके अकेले पड़ गया है, उसके बावजूद इस तरीके की हरकत जो है उसको कहाँ लेके जाएगी। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।